हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे गुड न्यूज मूवी के बारे में, लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि मैं अक्षय कुमार का कोई बड़ा फैन हूँ नहीं। मैं अक्षय कुमार की मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही देखता हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि यार मैं बायस हो रहा हूँ या मैं उसकी जमकर तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। बस मैं एज अ रिव्यू चैनल यहाँ पर रिव्यू देने वाला कि ये मूवी पर्सनली मुझे कैसे लगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो आज हम लोग बात करें गुड न्यूज मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत होती है अक्षय कुमार और करीना कपूर से। दोनों ही मुंबई में रहते हैं, दोनों ही हैप्पीली मैरिड है। करीना कपूर की बात करो तो उसका इस मूवी में नाम है दीप्ति, जो कि एक जर्नलिस्ट है। और अक्षय कुमार की बात करो तो अक्षय कुमार का इस मूवी नाम है वरुण, जो कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। दोनों ही अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उनको काफी सालों से कोशिश करने के बावजूद भी बच्चे नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ एक कपल है जो कि चंडीगढ़ में रहता है, जिनका नाम है मोनिका और हनी। मोनिका का रोल यहाँ पे प्ले किया कायरा आडवाणी ने और हनी का रोल प्ले किया यहाँ पे दिलजीत दोसांझ ने। उन दोनों कपल की भी यही प्रॉब्लम है कि काफी साल हो चुके शादी होकर, लेकिन उनको भी बच्चा नहीं हो रहा। तो चारों कपल डिसाइड करते हैं कि मुंबई के क्लिनिक पर जाकर, जहाँ पे IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चे कंसीव होते हैं, तो वहां जाकर वो ट्रीटमेंट करेंगे और उसी ट्रीटमेंट के थ्रू वो बच्चा पैदा करेंगे। तो इसी सिलसिले में चारों ही कपल जाते हैं मुंबई के क्लिनिक, जहां पर उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर जोशी यानी आदिल हुसैन और उनकी वाइफ टिस्का चोपड़ा से। तो उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न सबको देखने को मिलते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी गुड न्यूज। अब मैं आपको बताता कि इस मूवी की क्या चीजें मुझे अच्छी लगी और क्या चीज इस मूवी की खराब है। तो हम शुरुआत करते हैं इस मूवी की अच्छी बात को लेकर। तो इस मूवी की जो अच्छी बात है वो है इसका सब्जेक्ट है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजिंग, जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल की जो इंडियन ऑडियंस है उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और ये उन कपल्स को जानना बहुत जरूरी है जो शादी तो कर चुके लेकिन वो काफी सालों से बच्चे नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पर हमारे जो इंडियन लोग हैं उन लोगों की सोच ये है कि मोस्टली बच्चे इस वजह से नहीं होते क्योंकि औरतों में कुछ खामियां होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। मर्दों में भी कुछ ऐसी खामियां होती जिस वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। तो इसीलिए हमेशा औरतों को दोष मत देना, और बस अगर आप लोग के बच्चे नहीं होते तो आप इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करके भी बच्चे पैदा कर सकते हो, क्योंकि आपको इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से जानने को मिलेगा। और ये फिल्म में आपको कहीं भी घुमा फिरा के नहीं बताया, एकदम सीधे सिंपल तरीके से बताया गया। हाँ, जो डायलॉग है काफी मैच्योर है, काफी मैच्योर ऑडियंस के लिए ही ये फिल्में बनाई गई, क्योंकि जो शर्म हया की बातें करते हैं जो अंदर से बहुत अश्लील है लेकिन सामने दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ है, तो उन लोगों के लिए फिल्म नहीं है ये। फिल्म आजकल के यूथ ऑडियंस के लिए, आजकल के नए जनरेशन के लिए, जो सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसको मानते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, तो ये फिल्म उन्हीं लोगों के लिए। ये फिल्म कहीं से भी बोर करती नहीं आपको, थ्रू आउट ये मूवी बहुत हंसाती है, बहुत गुदगुदाती है। हाँ, कहीं कहीं आपको ये फिल्म इमोशनल भी करती है, स्पेशली करीना कपूर और कायरा आडवाणी के जो सीन्स है काफी इमोशनल करते हैं। और ये फिल्म आपको उन कपल्स के दर्द को फील करवाती है, यानी कि जब उनको बच्चे नहीं हो रहे या जो सिचुएशन वो लोग गुजर रहे वो चीज को आप लोग फील कर सकते हो। उसके अलावा डायरेक्टर की बात हो तो डायरेक्टर ने बहुत ही कमाल काम किया यहाँ पे। एक भी सीन देखकर ऐसा फील नहीं होता कि यार ये बोरियत है, जबरदस्ती से डाला गया, ऐसा कुछ भी महसूस होता नहीं है। तो मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। अब मैं बात करता हूँ इस मूवी की कुछ खराब बातें। तो इस मूवी का जो खराब पार्ट है वो है इसके गाने। भाई, गाने के लिरिक्स बहुत ही बेकार है और गाने मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगे, एक दो गाने छोड़ के। बाकी मतलब कोई सिचुएशन है ही नहीं, फालतू में ऐसा लग रहा है बीच में गाना डाल दिया। तो इस मूवी का सबसे वर्स्ट पार्ट है इसकी म्यूजिक, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और उसके अलावा जो इस मूवी की जो सबसे अच्छी बात बोलूं वो है अक्षय कुमार। गोविंदा के बाद अगर कोई एक सुपरस्टार है जो कॉमेडी बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है तो वो है अक्षय कुमार। पूरी मूवी में अगर एक अकेला जो अलग लगता है आपको और बहुत हंसाता है उसके हर एक सीन को आप एंजॉय करोगे वो है अक्षय कुमार। दिलजीत दोसांझ ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया अक्षय कुमार को, लेकिन अक्षय कुमार अक्षय कुमार है। मैं उनका फैन नहीं हूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी कहीं से भी आपका पैसा वेस्ट नहीं करेगी, आप लोग इंजॉय करोगे। ये मूवी देखकर आप लोग बोर नहीं होगे। अगर दबंग मूवी देखकर आप लोग को बुरा लगा था या आप सोच रहे थे या दबंग मूवी ने पूरा पैसा वेस्ट कर दिया, भाई ने पूरा छुटिया बना दिया, तो ये मूवी आपको फुल खुश करेगी, आप कहीं से भी बोर होगे नहीं। डिपेंड करता है कि आप लोग की सोच क्या है, आप लोग किस समाज से आते हो, क्योंकि देखिए आजकल कैसा है कि लोग बहुत ढोंग करते हैं कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, लेकिन एक्चुअली होता कुछ और ही है। तो ये एक नई तरीके की नई जनरेशन के नजर में रख के बनाई गई फिल्म, और इस तरीके की फिल्म और बनना चाहिए। सब्जेक्ट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही धमाकेदार सब्जेक्ट है, और इस तरीके का सब्जेक्ट और बनना चाहिए ताकि समाज में और जागरूकता आना चाहिए और इस सब चीजों को और बढ़ावा मिलना चाहिए। कि देखिए ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके बच्चे नहीं होते, बहुत सी वजह हो सकती है, तो वो ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। तो बस आप लोग ये मूवी जाइए, मूवी में कुछ सीखने मिलेगा, कुछ जानने मिलेगा, बहुत हंसने मिलेगा, कुछ इमोशनल सीन्स आप इमोशनल भी फील करोगे, तो थ्रू आउट द वे आप एंटरटेन होगे, इतना तो गारंटी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन।